नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग भाई। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और मोटो ब्लॉग में कह सकते हैं, ठीक है। तो पीछे हाईवे वगैरह देख के पता ही लगा लिया होगा कि ये मेरा मोटो ब्लॉग ही होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं ना, ये मेरे चैनल का जो है वो दूसरा मोटो ब्लॉग है। पहला तो मैंने दिल्ली में ऐसे ही कर दिया था, तो दूसरा है और बड़ा ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ब्लॉग जो है मेरा वो दिल्ली से बाहर है। दिल्ली से मैं जा रहा हूँ मथुरा, मथुरा से जाऊँगा वृंदावन, वहाँ पर फिर हम अपना दर्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी थी, G20 चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो भाई दिल्ली से ना लगभग 70 किलोमीटर की जर्नी जो मैंने कवर कर ली, और 70 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए यानी कि वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे लगे पूरे दो घंटे, ठीक है। 1:30 बजे के आसपास निकला था और 3:30 बज चुके हैं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही आराम से जाएंगे। तो सामने जो है वो नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, ठीक है। तो ये बल्लभगढ़ से थोड़ा सा आगे, मतलब बल्लभगढ़ जैसे क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद में ये टोल प्लाजा है, इसके बाद में शायद और भी कोई आएगा। तो दिल्ली से ये जो जर्नी है मैंने कैसे शुरू की, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जो दिल्ली से मैं निकला था, दिल्ली से यहाँ तक की जर्नी आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग भाई। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग में। और वैसे सच कहूँ तो ये मेरे चैनल का जो है वो दूसरा मोटो ब्लॉग है, और कुछ स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस बार ये जो मोटो ब्लॉग है ये होने जा रहा है दिल्ली से बाहर का। वैसे तो टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। और इस बार जो है मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ भाई दिल्ली से मथुरा के लिए। और देख रहे हो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं सामने, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, वेदर बहुत सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 180 किलोमीटर यहाँ से GPS शो कर रहा है, ठीक है, दिल्ली से। अभी फ़िलहाल में ये अपना वजीरपुर फ्लाईओवर है, यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास जो है वो वृंदावन है। तो जा तो हम वृंदावन रहे हैं लेकिन मथुरा होके जा रहे हैं। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो नॉन स्टॉप अगर चलता हूँ तो 4 घंटे मिनिमम है, 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई बाइक नहीं है, ये एक्टिवा है, रेस्ट देना पड़ेगा। करीब 100 किलोमीटर के बाद मैं इसको रेस्ट दूंगा, तो यानी कि वही 4 से 5 घंटे आराम से मान के चलो तो 5 घंटे मुझे लग जाएंगे। अभी बजे हैं दोपहर के लगभग 1:30 बजा है, तो 1:30 बजे मैं अपने घर से निकल गया हूँ दिल्ली से मथुरा के लिए। तो वैसे तो दिल्ली से मथुरा जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला तो जो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल होते हुए जाता है, ठीक है, और दूसरा है यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए। तो देख लेते हैं। वैसे ये G20 का टाइम चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर रास्ता बंद कर रखा होगा ये जो फरीदाबाद वाला है, तो हमें यमुना एक्सप्रेस वे से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर खुला होगा तो हम इसी पलवल वाले रास्ते से जाएंगे। तो ये जो मैंने रोड पकड़ा है ये है भाई रिंग रोड, और आगे वही पंजाबी बाग के बाद रजौरी, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। फिर उसके बाद में आसम चौक है, वहाँ से मुझे जो है राइट लेना है फरीदाबाद की तरफ। यही फ्लाईओवर है जो बंद रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. तो भाई लोगों, आश्रम चौक से ले लिया राइट, और अब ये रास्ता जो सीधा है ये चला जाएगा फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की तरफ। यानी कि अभी थोड़ी देर में हम लोग एंट्री करने वाले हैं हरियाणा के अंदर। वेदर की बात करूँ ना, वेदर मतलब पूरा साथ दे रहा है भाई यार, धूप बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो आप लोग यार। वरना मैं तो ग्लव्स लेकर आया था ताकि अगर धूप होगी तो मैं हाथों में पहन लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी अभी तक ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वेदर ठीक है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। नेहरू प्लेस के लिए लेफ्ट, ओखला के लिए लेफ्ट, और फरीदाबाद के लिए सीधा। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. तो दोस्तों लगभग 70 किलोमीटर में आ गया दिल्ली से यानी अपने घर से यहाँ तक, और दिल्ली क्रॉस कर ली, हरियाणा अब लग चुका है, और अभी भी जो है लगभग 2 घंटे की जर्नी बाकी है। तो GPS सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हाईवे, वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लगा दिया था। 93 किलोमीटर है वृंदावन यहाँ से, तो लोकेशन वृंदावन की लगा रखी थी। तो 1 घंटा 40 मिनट जो है वो डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ठीक है 1 घंटा 40। वैसे आगे जाके मैं एक और ब्रेक लूँगा,
पहला मैंने ले लिया था, अब यही टोल पे ले लिया था। ये टोल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बल्लभगढ़ से थोड़ा सा आगे ही है। वेदर की बात करें ना, तो वेदर ने मतलब पूरा पूरा साथ दिया है भाई, अभी तक एकदम सही है। और जो वेदर फोरकास्ट है ना, उसमें तो खैर बारिश है, आगे बारिश का जो है अंदाज़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, हल्की फुल्की बारिश तो खैर पीछे भी हो रखी थी जब मैं निकला था वहाँ से। आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई ये जो मेरा ब्लॉग है, ठीक है, ये जो मेरी जर्नी है, कमेंट करके ज़रूर बता देना। हाँ, मैंने अभी सुनी थी यार, मेरी जो वॉइस है ना वो थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, पर कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग से मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा कि आप लोगों को जो मेरी वॉइस है ना इस विजुअल के साथ साथ में वो बहुत सही से दिखती रहे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं है, क्योंकि बल्लभगढ़ क्रॉस हो गया और मैं सोचा था कि मतलब अच्छा रास्ता होगा, साइड में खेत होंगे, मतलब चारों तरफ उनके बीच में से रास्ता जा रहा होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है पलवल क्रॉस करने के बाद में जो है वो अपना जो रास्ता है वो खेतों के बीच से होकर जाए, क्योंकि जब जो रास्ता जो खेतों के बीच से होकर जाता है ना, मतलब चारों तरफ खेत होते हैं, इधर भी उधर भी, तो उस रास्ते पे गाड़ी चलाने में ना एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, होप कि आगे स्टार्ट हो जाए जल्दी पलवल क्रॉस करते ही। तो पलवल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी बहुत दूरी है, अभी डिस्टेंस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट थोड़ी बहुत देर में हम पलवल भी क्रॉस कर देंगे। आगे जाके पलवल जाके मतलब अभी तो 70 किलोमीटर चला लिए, तो अभी करीब 50 या 60 किलोमीटर और चलाने के बाद में जो है हम अपना ब्रेक लेंगे दूसरा वाला। आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, वही कंस्ट्रक्शन वाली रोड बन रहा है, पता नहीं फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। इधर से निकाल ही देते हैं। ओहो, तो कैसा लग रहा है भाई, लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई। पहला ब्लॉग है मेरा जो कि मैं अपनी एक्टिवा को दिल्ली से बाहर लेके जा रहा हूँ और ब्लॉग भी बना रहा हूँ। पहले लेके गया हूँ, लेकिन ऐसे कोई ब्लॉगिंग का कोई वो नहीं था भाई, पर्पस नहीं था। बट दिल्ली से मथुरा अभी दो दिन पहले ही जो है जन्माष्टमी निकली है, कि उस टाइम पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और सुनने में ये भी आया था कि बाहर की गाड़ियों को जो है अंदर सिटी में एंटर नहीं करने देते हैं क्योंकि भीड़ की वजह से। तो छुट्टियां थी, G20 का टाइम चल रहा है, तो सोचा कि चलो क्यों ना मथुरा ही घूम के आया जाए, और मथुरा ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास भी है, तो एक और एक्सपीरियंस हो जाएगा मोटो ब्लॉगिंग का, कि अगर हम कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस वाला मोटो ब्लॉग बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. तो दोस्तों 120 किलोमीटर की लगभग मैंने जो जर्नी वो कवर कर ली है, दिल्ली से निकला था और अब 120 किलोमीटर जो है वो कवर हो गया है, और अभी भी यहाँ से जो मथुरा लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। तो सोचा कुछ खा पी ले रास्ते में, तो पीछे मेरे जो आप ढाबा देख रहे हो ना, ये जय जय भोले ढाबा, ठीक है, इस पर ऐसा कुछ खाने को मिला नहीं मेरे को, ये हो सकता है बंद हो, बस फिर भी मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है और वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है यार। देखो सामने आप लोग देखो, बादल देखो, मौसम की मैं बात करूँ ना बहुत अच्छा है, और मौसम ने ना पूरा पूरा साथ दिया है भाई, और बहुत अच्छा रहा अब तक तो जर्नी, बहुत सही जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, बहुत ही आराम से गाड़ी चलाते हुए आया, 60 की स्पीड थी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अभी मेरी जो जर्नी है ना वो ये दूसरा स्टॉप है, पहला वो जो टोल के पास आपने देखा होगा वहाँ पे मैं ले लिया था, और अब भी जो मेरा जो दूसरा ब्रेक लगा है ना वो भी टोल के पास ही है, तो टोल यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे है, जगह का नाम यार मुझे नहीं पता, पर पीछे जो था वो होटल था, होटल को क्रॉस कर दिया है, उसके बाद में फिर होटल के बाद में थोड़ा बहुत 3-4 किलोमीटर के आसपास में आगे आया हूँगा, उसके बाद फिर ये जो मुझे ढाबा मिला और मैंने सोचा कुछ खा पी लें, पर ढाबा बंद था, कोई बात नहीं, जूस में लेकर आया था घर से, यही बहुत है अभी के लिए, यही एनर्जी दे रहा है। तो दोस्तों अपनी इस ट्रिप का मैंने दूसरा ब्रेक भी ले लिया, ठीक है, अब नॉन स्टॉप जाना है, अब रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ से बस केवल 50 किलोमीटर के आसपास ही रह रहा होगा मथुरा यहाँ तक है, और
बादल देखो, बादल सामने कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, कैमरे में शायद कैप्चर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ से भाई 120 किलोमीटर पीछे छूट चुका है और शायद आगे जब टोल क्रॉस हो जाएगा ना तो उत्तर प्रदेश की सीमा भी प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो फिलहाल हम हरियाणा में ही है, होटल अभी क्रॉस किया है। टोल गेट यहाँ से 500 मीटर है और नेशनल हाईवे पर चलने का यही फायदा है, अगर आप टू व्हीलर से चल रहे हो ना तो आपको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना है। साइड से एक रास्ता बनाया होता है, चुपचाप से पतली गली पकड़ो और निकल जाओ भाई। तो ये आ गया भाई अपना दूसरा टोल प्लाजा, होटल से आगे ही है, जगह का तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और टू व्हीलर के लिए छोटा सा रास्ता दे रखा होता है हर नेशनल हाईवे पर जो भी टोल प्लाजा आता है, जैसे कि अभी फिलहाल ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। भैया इतने बड़े बड़े ब्रेकर मत बनाया करो। तो बिना कोई टोल दिए, बिना कोई पैसे दिए दूसरा टोल प्लाजा भी क्रॉस कर लिया और अब थोड़ी सी देर में हमारी एंट्री हो जाएगी उत्तर प्रदेश में मन्नत फैमिली ढाबा। अच्छा मूथल वाला है, मूथल वाला नहीं है। अच्छा बर्गर किंग भी है, गुलशन ढाबा, सारे ढाबे यहीं पर हैं। ऐसा लग रहा है हम मूर्थल आ गए हो, पर मूर्थल नहीं है ये भैया, उत्तर प्रदेश में एंट्री होने वाली है थोड़ी देर में। आगरा यहाँ से 105 किलोमीटर है। मुझे लग रही है ठंड से जो होता हूँ तो मैं सिंगल शर्ट में हूँ। अब बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और हवा भी काफी चल रही है यार। हवा से ना आगे पीछे काफी दिक्कत होती है, मतलब बैलेंस जो था गाड़ी का, वैसे भी यार ये टू व्हीलर है और ज्यादा भारी होती नहीं है, लेकिन हवा काफी तेज चल रही थी तो एक साइड में जो है ये भाग रही, तो बड़ी मुश्किल से उसको जबरदस्ती लेफ्ट में चल भाई, लेफ्ट में चल कर करके जो है लेफ्ट में रखना पड़ा था। रुकना पड़ेगा भाई, रुकना पड़ेगा लग रहा है मुझे। चलो आगे कोई ढाबा देखते हैं, वहां रुकेंगे, तेज होने लग गई, इसी पर रोक लेते हैं। शिवा रेस्टोरेंट, आगे रोक लेते हैं उधर। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गाड़ी चलाई होगी और फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई है, देख रहे हो थोड़ी बहुत शर्ट भी भीग गई है। बस वो टोल क्रॉस किया था उसके बाद में बस 5 मिनट जो है गाड़ी चलाई होगी फिर तेज़ बारिश शुरू होगी। तो यार 4 घंटे की जर्नी थी, 5 घंटे तो हो गए और बारिश रुकेगी धीरे धीरे, हो रही है फिर रुक जाती है, हो रही है रुक जाती है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। सामने जो ढाबा है ना वो मतलब उसका व्यू ही बहुत अच्छा है, शिवा रेस्टोरेंट के नाम से, और देखो इन्होंने ऐसे भी लगा रखा है आई लव शिवा, शिवा ढाबा कर देते यार, आई लव शिवा क्या होता है। तो ठीक है, सही है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की, कुछ खा लेते हैं भाई, जब खा लेंगे उसके बाद में निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि बारिश अभी रुक जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है। कैमरे में पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी। चलो चलते हैं अंदर, कुछ देखते हैं क्या है इनके पास खाने पीने का। अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है यार, देखते हैं, सही है, काफ़ी सही है। वही फिर वही बात बोलूँगा, लोकेशन का मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ पर है। तो मौसम को देखते हुए वैसे तो मैंने ऑर्डर किए थे वही चाय और पकोड़े, लेकिन फिर प्लान बदल गया। क्या हुआ यार, हम पहाड़ों में नहीं है तो पहाड़ों वाली फीलिंग तो ले सकते हैं ना, वेदर तो पहाड़ों जैसा हो रहा है लेकिन हम हैं प्लेन्स में। लेकिन तो जो मैंने ऑर्डर किया है ना, मैं आप लोगों को दिखाया था कि मैंने पकौड़ों की जगह क्या ऑर्डर किया है, तो भाई मुझे पहाड़ों की याद आ गई थी तो इसलिए मैंने चाय और मैगी ऑर्डर कर दी। मैगी जो है देखने में तो बहुत सही लग रही है, ठीक है, अब खा के पता लगेगी कैसी लगेगी। तो चलिए मैं जल्दी से ये चाय और मैगी ख़त्म कर देता हूँ, बारिश भी हो रही है, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो बारिश रुक गई भाई और चाय भी पी ली, मैगी भी खा ली, अब टाइम आ गया है भाई शिवा ढाबा को बाय बाय बोलने का और चलते हैं यार, बहुत लेट हो गया, सोचा नहीं था, मुझे लग रहा था कि पहुंच जाएंगे चार घंटे के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, चाय भी लगाते हैं और पहले ट्राउज़र की चेन लगा लेते हैं, उसमें फ़ोन है,
चलते हैं यार, तो चलते चलते बात करेंगे। ये कह रहा था यार आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से यहीं रुका हुआ था 50 किलोमीटर पहले। ठीक है, बारिश अगर आगे मिली है तो फिर रुकना पड़ेगा, पर अब यही है कि कोशिश रहेगी कि भाई जल्दी से जल्दी जो है मथुरा पहुंच जाओ। अंधेरा सा तो होने लग गया, वैसे ये जो है टाइम जो है वो अंधेरे का नहीं है, पर ये बादलों की वजह से जल्दी अंधेरा होने लग रहा है। अब कहीं नहीं रुकेंगे, बारिश अगर ना मिली तो नॉन स्टॉप सीधा फिर अपने जहाँ जहाँ भी हमने एकोमोडेशन बुक कर रखा है, होटल है, होम स्टे है, धर्मशाला जो भी है, वहीं जाके हम रुकना है। और जो है मैंने जब दिल्ली से निकला था ना तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई थी, और अभी भी ये थोड़ा बहुत ही इसमें ख़त्म हुआ होगा। और जो मेरी फुल हुई थी ना वो 435 रुपये में हुई थी, 5 लीटर की इसकी टंकी है, तो शायद उसमें पहले से ही कुछ रहा होगा। ठीक है, तो 4.5 लीटर के आसपास इसमें तेल आ चुका है, और 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास ख़त्म हो गया, यानी कि फिर से बारिश शुरू होगी। भैया पहुँचने दोगे या नहीं पहुँचने दोगे? पर कोई नहीं, अगर ज़्यादा तेज होगी ना मैं तभी रोकूँगा आप। और अब तो मेरी सांसें जो है ना मेरे वाइजर पे जमने लग गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उत्तराखंड में प्रवेश करने वाला हूँ, पर उत्तराखंड नहीं है, पार्ट उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश ही है ये, उत्तराखंड नहीं है पूरा। मुझे ना मैंने अभी GPS देखा था मैप पे, तो मथुरा जो है वो वृंदावन से आगे है, मतलब वृंदावन पहले पड़ जाएगा अगर हम इसी रूट पर आगे जाएंगे तो, और मथुरा जो है वो थोड़ा सा आगे पड़ेगा, तो 5-10 किलोमीटर इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, उसी के लिए लेफ्ट और मथुरा आगरा के लिए राइट रहेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। कोसी लेफ्ट छता यहाँ से 12 किलोमीटर और मथुरा 45 किलोमीटर। मैं अपना कैमरा और अपना फ़ोन जो है वो रख देता हूँ भैया बैग में, रिस्क नहीं ले सकते इस बारिश में। तो अब जहाँ भी बारिश बंद होगी ना वहीं से हम शुरू करेंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम रोड से मैं यहाँ कमरे में कैसे आ गया, तो यार मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि मैं पहुँच गया था, जब मैं वहाँ होटल में था चाय और मैगी खाने के बाद में मैं पहुँचा था कोसी कला। तो कोसी कला से जो वृंदावन की जो दूरी है ना वो लगभग 35 किलोमीटर की आसपास है। जब कोसी कला पहुँचा ना तो इतनी बारिश हो रही थी, मैं क्या बताऊँ कि कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं था, गाड़ी चलाना भी पॉसिबल नहीं था उस, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैं वहाँ से रुक गया, और फिर मुझे लगा कि यार अब जो है ब्लॉगिंग करना वो ठीक नहीं है। तो जब तक वृंदावन नहीं आ गया ना तब तक बारिश होती रही, और मतलब अच्छी खासी बारिश होती रही। तो फिर वृंदावन आने के बाद में फिर 1-1.5 घंटा मुझे यहाँ रूम ढूंढने में लग गया। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं अपने होटल के रूम में हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं भाई जो होटल का रूम है ना, इस होटल का नाम जो है वो कृष्णा आश्रम के नाम से, मतलब आश्रम भी है और एक तरह से होटल्स भी है जिसमें जो है एकोमोडेशन जो अवेलेबल रहती है। तो एक छोटा सा रूम टूर दे दूं, ये जो है होटल, ठीक है ये रूम है होटल का, और अपने बैग है, 2 बैग, इसलिए भाई मैं बता दूं कि मैं ये वहां से तो अकेला निकला था दिल्ली से, लेकिन मेरे एक दोस्त ने जो है यहाँ मथुरा में मुझे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वो भी बात यह है कि AC भी लगा हुआ है, पर सच बताऊँ ना रास्ते में ही ठंड लग रही थी, यहाँ पे मौसम बहुत काफ़ी मतलब अच्छा हो रहा है, कूल हो रहा है, AC की ज़रूरत नहीं है, और कंबल भी दे रखा है साथ में। और यार बहुत थक गया, अब थोड़ा बहुत आराम करते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं। तो मैं इसका चार्ज और बता देता हूँ, तो इसका जो हमें कल 12 बजे तक जो चार्ज लिया है ना 2 लोगों के लिए, वो लिया है 1000 रुपये, यानी कि 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इसका जो है चार्ज है। तो यार ये जो मेरा ब्लॉग है ना वो अब मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लग भी रहा है ऐसा। तो कैसा लगा यार ये ब्लॉग बताना, कमेंट करके जरूर बताना। चलो मैं मिलता हूँ अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।